नेक्स्ट स्पीकर श्री हनीमन बिनवाल जी। नाम तो सही लो सर। मान लिया हनुमान, वो आप प्यार से सही पुकार रहे हो बिल्कुल, है ना। हाँ सभापति महोदय, सबसे पहले तो हमारे माननीय सांसद हरसिमरत कौर जी द्वारा जो ये महत्वपूर्ण विषय मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से जुड़े विषय पर जो ये 193 के तहत सदन के अंदर लेके आए, मैं धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी को कि इस पे लंबे समय से मांग चल रही थी कि नशे की रोकथाम के क्या उपाय हो। इस हिंदुस्तान जहाँ वर्ल्ड के अंदर सबसे नौजवानों की आबादी है और ये नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूबा जा रहा है, देश बर्बाद होता जा रहा है, इसकी रोकथाम के उपाय क्या हो, इस संबंध में आज ये चर्चा चल रही है, डिबेट चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात भी रखी, लेकिन हम भाषण दे के यहाँ से चले जाएंगे, सारी बात भी कह देंगे। मेरा ये निवेदन रहेगा कि इसकी रोकथाम के उपाय क्या हो, किस तरह जन जागरण अभियान चले, किस तरह हम युवा पीढ़ी को बचाएं। आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके और जो हाउस में किस तरह के एलिगेशन भी लगे, देखा मैंने जब हरसिमरत जी बोल रही थी पंजाब के बारे में, पंजाब राजस्थान हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरह नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है। और हर व्यक्ति, मैं तो एक निवेदन ये भी करूंगा पॉलिटिकल पार्टियों से कि नशे के कारोबारी, चाहे वो शराब के कारोबारी हो, शराब माफिया, चाहे आपका ड्रग्स माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, ऐसे लोगों को टिकट ही मत दो आप। जब ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो आदमी जैसा धंधा करके आगे बढ़ता है वो वैसा ही काम करता है। ये पॉलिटिकल पार्टियों को भी देश के हित में ये बातें सोचनी चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आने। जब राजस्थान के अंदर तो अभी मंत्रिमंडल से लेकर कोई नाराज हो जाएंगे हमारे कांग्रेस वाले, 20 से ज़्यादा विधायक और मंत्री जो नशे का कारोबार, दारू का, बजरी का, डोडे का काम करते हैं, तो सारे मंत्रिमंडल में बैठे हैं। दुर्भाग्य, हाँ दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक मिनट सब, मेरे मूल बात पर मैं आता हूँ। मेरा एक निवेदन था, जब अपन इस पर बात कर रहे हैं तो हमारे सजेशन भी तो होने चाहिए। हम ये बात कह के चले जाएंगे कि एक मिनट रुकिए साहब, जब बात कह के चले जाएंगे इसकी रोकथाम क्या हो, ये तो भाषण हो गया, उपाय क्या हो। सबसे पहले उपाय ये हो कि पॉलिटिकल पार्टियां ये तय करें कि नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्ति को पार्टियां टिकट नहीं देगी, तो ये अपना आप काम हो जाएगा, आधा काम देश के अंदर। यहीं से शुरुआत की जाए, क्योंकि ऊपर से शुरुआत होती है वही नीचे जाती है। आप देखिए, जिले का अगर एसपी ईमानदार होता है तो थानेदार अपना ईमानदारी से काम करता है, कलेक्टर ईमानदार होता है तो पटवारी ईमानदार होकर, वो चोर होंगे तो नीचे ही चोरी चलेगी, तो ऊपर से शुरुआत की जाए। ये मेरी प्रधानमंत्री से अपील है कि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करे, फिर कांग्रेस फॉलो करे टिकट के मामले में। ये निवेदन है मेरा।